यास तूफान और तेज बारिश का कहर बिहार के सहरसा में भी देखने को मिला। सहरसा में लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कों का बुरा हाल हो गया। तस्वीरें आप सहरसा के कोशी चौक इलाके की देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद बुरा हाल सब जगह नजर आया। घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं घर में किस तरह से पानी भरा हुआ है, और उसी में रहने को ये घर वाले मजबूर हैं। सहरसा के कोशी चौक इलाके की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और सड़कें बिल्कुल मानो जैसे समंदर बन गई हो, चारों ओर पानी ही पानी। यास तूफान और तेज बारिश के बाद का ये कहर है बिहार के सहरसा में। लोगों के घरों में घुस गया पानी, सड़कों का बुरा हाल हो गया। तस्वीरें सहरसा के कोशी चौक इलाके की हैं, और यास तूफान की वजह से जो बारिश हुई उससे मुजफ्फरपुर का भी बुरा हाल कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि शहर तालाब दिखने लगा है। कोरोना का इलाज करने वाले सदर अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सब जगह पानी ही पानी। शहर के मुख्य बाजार, कल्याणी, मोती झील, ब्रह्मपुरा समेत हर जगह तालाब जैसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश का असर अस्पताल और मरीजों पर पड़ रहा है। तेज बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में गंदा पानी भरने से मरीज परेशान है। पानी भरने से वार्ड तालाब में बदल गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद क्या हालात होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं DMCH की, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पर बारिश के बाद पूरे वार्ड में पानी इस कदर भर गया कि लग रहा है कि वार्ड तालाब में उतर गया है। और अब आपको राजधानी पटना के जयप्रभा अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। अस्पताल पूरी तरह पानी में डूब गया है। DMCH से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आप देख रहे थे, और ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, जहां पर जयप्रभा अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के हर कमरे में पानी मौजूद है, वार्ड में पानी मौजूद है, मरीज भी जहां है वहां भी पानी मौजूद है। दवाइयां आप देख रहे हैं किस तरह से इस पानी में बह रही हैं, और तमाम इंतजाम पहले अगर किए गए होते ताकि पानी अस्पताल में ना पहुंचे तो ये स्थिति नहीं होती। ABP News, आपको रखे आगे।